तो गाइस यहाँ पे तोड़ दिया हमने से एक एक किल्टा, पूरा एक आधा किल्टा खत्म। जाते हैं एक ऐसे सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइज आज बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ व्लॉग। मामू के घर में हूँ ना, तो यहाँ पे कभी लाइट नहीं होती, कभी क्या नहीं होता, फिर व्लॉग बनाने का मन नहीं करता क्योंकि बैटरी नहीं होती फ़ोन में। आज भी मतलब लाइट नहीं है, बैटरी भी कम है। तो बाय द वे आज से यहाँ पे सेब तोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम भी जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं। हेलो हेलो आते, गुड मॉर्निंग, चले फिर। गिर गया था गाइज, गोबर ही गोबर है। बाकी गाइस आज मौसम कुछ ऐसा है, धुंधी धुंधे चारों तरफ बादल है, बस बारिश ना हो। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम खेत। अब मामू दूसरे खेत गया है, मतलब पूजा वगैरह करने ना। तो फिर अब मामू का वेट करेंगे, उसके बाद तोड़ना स्टार्ट करेंगे। आज से स्पर तोड़ने है ना। बाकी ये देखो यहाँ बैठा है, बड़ा ही उत्सुक है सेब तोड़ने के लिए। और बार तो स्कूल होता है ना इसका, इस बार छुट्टियाँ है तो मुझे ही खुश है, खुशी दिखा नहीं रहा है। बाकी यहाँ पे नाड़ा चला है, धूप लगने लग गई है। अब मामू के आने का वेट करते हैं, फिर हम सेब तोड़ना स्टार्ट करेंगे। ओके बाय। आप हगने आए हैं या सेब तोड़ने? भाई गाइस रॉयल तो अभी हरी है और पत्ते नहीं है इस बार, तो हम स्पर तोड़ेंगे ये। चले हो जाए स्टार्ट। चलो गाइस, तो गाइस यहाँ देखो कितना लंबा लंबा घास है, घुटनों तक घास है। अब इसमें सेब तोड़ना भी एक टास्क ही, और ये लग गया है तोड़ने। तो गाइस मैंने अभी तोबरा डाल दिया गले में, अब हम स्टार्ट करते हैं तोड़ना सेब। ऐसे डाल रहे सेब तोड़ते हैं, मिलते आपसे थोड़ी देर बाद, जब तक हम थकते नहीं है ना, क्योंकि पहले सेब तोड़ने में गेड़ा रखते हैं, उसके बाद व्लॉग करेंगे। ओके जाते हैं एक ऐसे। तो गाइस तीन चार पेड़ तोड़ दिए हमने इतनी जल्दी, क्योंकि इस पर के जो पौधे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं ना। हम दो है, तीन चार है, पांच रख लो, पांच तोड़ दिए हमने, पांच सेब, पांच पौधों से। बाकी हमको पता नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि बीच में हरे भी है ना, एक साइड से लाल दिख रहे हैं और हरे। माउन बोलता हरे हरे नहीं तोड़ने, हमने तो गेड़ा ही रखा है, अब थोड़ा देख के करना पड़ना। वैसे छोड़े तो हमने हरे हरे, बाकी देख के तोड़ते। अब देखिए गाइस ऐसे तोड़ते सेब, सेब तोड़ते हुए ध्यान रखें कि डंडी ना टूटे, नहीं तो बिकता नहीं है। मैं ये वाला तोड़ता हूँ आगे जाके, ये तोड़ेगा। और ये वाला सेब बड़ा बेरहम सा लग रहा है। तो गाइस यहाँ देखो कैसे कैसे में आना पड़ रहा है हमको, घास ही घास हो रहा है, च्यूंशी च्यूंशी इसको लग गई बेचारे को, कोई ना होता रहता है। यहाँ पर तो भंगरा भी नहीं है, क्योंकि उससे मर जाती ना, कैसे बोलते थे हैप्पी बचपन में, कुछ तो बोलते थे हम, भंगरा लगाओ च्यूंशी की वो गायब। तोड़ते इस पर जल्दी जल्दी से, घास बहुत लंबा हो गया, बस काटा तो अभी पीछे ही था। ये देखो इधर आगे आगे तक है, बेचारे को बहुत चिड़मिड़ी हो रही है, हा 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 कर रहा है। तो गाइस ये देखो कैसी च्यूंशी लगी है इसको, दाने दाने हो गए हैं पूरे हाथ में, मेरे को भी पाँव में लगी, दर्द हो रहा है, दर्द तो नहीं चिड़मिड़ी। यहाँ से गाइस अब कैसे जाए, अगर गिरे तो सेब भी साथ जाएंगे, परे कहाँ जाने, यहाँ देखो कहाँ जाने को बोले गाइस। चलिए फिर परे को चलते गाइस। तो गाइस थक के बुरा हाल हो गया है, पसीना हो गया। सुबह के टाइम तो मौसम बहुत बढ़िया था, मतलब धूप नहीं लगी थी, बादल थे बढ़िया, ठंडा, लेकिन अभी तो ऐसी धूप चमक गई है ना, हत्ती हो गई है। और अब करेटे हो गए हैं खाली, मतलब करेटे भर के हमने पूरी कर दिया है, ख़त्म हो गई है खाली करेटे। तो जो हमारे साथ है भैया नेपाली, राजू भैया, वो गए करेटे लाने, तो अब करेटे लाएँगे
हमारे पास जितने तोबरे थे हमने वो भर के रखे हैं, जैसी क्रेटे आएगी उन तोबरों के सेब क्रेटों में डालेंगे, फिर से तोड़ना स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बाकी अति होगी गाइस, सेब तोड़ना इजी नहीं है। तो गाइस एक बगीचे में हमने तोड़ दिए सेब, अब हम चल रहे हैं दूसरे बगीचे में। कितनी क्रेटे, 21 क्रेटे तोड़ी गाइस हमने, क्योंकि इस पर कम कम है ना, जितने होंगे उतने क्रेटे ही भरेंगे ना, बाकी जब रॉयल तोड़ेंगे तब तो फट के चार जाएगी। जब रॉयल तोड़ेंगे तब तो हम रामपुर में होंगे, स्कूल खुलने वाले, क्योंकि गाइस इसके कॉलेज तो खुले ही है, पता होगा आप लोगों को। लेकिन मैं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है रामपुर जाने का, क्या वो रास्ता भूल गया, क्योंकि वहाँ रामपुर में ऐसी गर्मी है ना, मतलब मोटी ही गर्मी है और चिपचिपी गर्मी है। यहाँ पे बढ़िया है, ठंडा ठंडा माहौल, लेकिन आज बहुत गर्मी है दिन के टाइम, क्योंकि धूप लगी है ना। फिर सेब तोड़ते तोड़ते अति होगी हमारी। अब हम चले हैं दूसरे खेत की तरफ, क्योंकि स्पर्श पर हम आज ही तोड़ देंगे सारे खेतों में जितने में भी है। चलिए फिर चलते हैं, तो नहीं कैसे रास्ते से ले जा रहे हैं मेरे को, इसको खुद को रास्ता नहीं पता, ये काम का बंदा नहीं है गाइस, हैप्पी काम का बंदा नहीं, इसको रास्ता ही नहीं पता। पहुंच गए गाइस, पहुंच गए हम, थोड़ी देर रेस्ट मारेंगे हम अब, क्योंकि जो भैया है ना साहब, वो गए हैं वो लेने क्रेटे लेने, क्योंकि ख़त्म होगी क्रेटे, अब और लाएंगे, दो बार ला लिया, तीसरी बार गए वो क्रेटे लाने। कीचड़ कीचड़ है, नीचे दबी में नीचे देख के चला हूँ। चलिए थोड़ा रेस्ट करते जितने में क्रेटे आती है, पहले तो पहुँचते हैं दूसरे खेत में। तो गाइस रेस्ट वगैरह कर लिया हमने, यहाँ रेस्ट करे थे, ये मतलब पुराना घर है नानी के टाइम का, अब भाई वो भी आ गया क्रेट लेके, तो अब चलते हैं तोड़ते हैं फटाफट। यहाँ पे तो कम ही है, 12-13 क्रेटे होनी, चलते हैं तोड़ते हैं फटाफट से, फिर घर चलेंगे। तो गाइस दूसरे खेत में भी हम तोड़ने लगे सेब, 6 क्रेटे तोड़ दिए, बाकी अभी मौसम ने साथ दिया है, मतलब बादल बादल आया, धूप नहीं है। चलते आगे को और तोड़ते हैं, क्या देख रहे है तू ऐसे, चल यार तोड़ तू सेब। खत्म काम। तो गाइस फाइनली दूसरे खेत में भी हमने सेब तोड़ लिए, अब चले हैं घर की तरफ, मोटी भूख लग गई है इसको भी। हेलो, भूख लग गई ये तो गाइस, सेब भी पहले जा रहा खाए जा रहा था, घर चलते हैं खाना वाना खाते हैं, तो सेब खाएंगे कहीं से, यहाँ पे बढ़िया से लाल दिखेंगे, खाना खाते हैं खाएंगे, इसको एक और खेत में जाएंगे तोड़ने सेब, लास्ट है वहाँ पे थोड़ी सी है, बाकी तो अभी घर ही चलते हैं, पहले तो थक गया है बुरे तरीके से, और यहाँ पे रास्ता भी ऐसा है, पानी पानी चला है रास्ते में, घर चलेंगे खाना खाएंगे फिर मिलेंगे आप लोगों से। ये देखिए गाइस नाड़े कैसे चले हैं यहाँ पे, और बस पहुँचने वाले अब हम घर, बड़ी मुश्किल से नाड़े नाड़े चले गाइस, रास्ता यहाँ हो गया, असल में नाड़े चले तो हम ऊपर भी चलना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, अब चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली घर पहुँच गए, और उसके बाद खाना वाना भी खा लिया हमने, मतलब आज सेब तोड़ के इतनी भूख लगी थी ना, उस चक्कर में ज़्यादा ही खा लिया है, अब नींद जैसी आ रही है, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर से चलेंगे सेब तोड़ने, रेस्ट करना भी ज़रूरी है ना। ठीक है रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो गाइस फाइनली रेस्ट वेस्ट हमने कर लिया जितना करना था, मैं तो बढ़िया सो गया था थोड़ी देर, अभी उठा हूँ और अब हम फिर से चल पड़े हैं, अभी मैं और हैप्पी जा रहे हैं, मामू सोए हुए हैं, अच्छा हम दो ही चलते हैं, फटाफट तोड़ देंगे फिर वापस घर आ जाएंगे, क्या कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं खेत की तरफ। ओके तो गाइस बस पहुँच गया खेत को, और यहाँ के पता लग रहा है यहाँ पे तो सेब ही नहीं, मतलब बहुत ही थोड़े थोड़े है, शायद से मैं भी ड्रॉप होंगे वो, यहाँ पे वैसे स्प्रे वगैरह भी नहीं आ रही, मामू ऐसे भी हो रहे थे ऐसे ही, चलो जितने जितने हैं उतने उतने तोड़ते हैं देखते हैं, तो जल्दी मतलब आधे घंटे में हम दोनों फारिग हो जाएंगे, तो बढ़िया है। बाकी धूप ऐसी है ना, अभी तक बढ़िया सोया हुआ था, अब उसके बाद सीधा धूप में आके थोड़ा
चलिए करते हैं काम। चले फिर। कौन? तो गाइस हमने एक जो एक गिल्टा है ये तोड़ दिए सेब। अब हम वेट कर रहे हैं दूसरा गिल्टा आने का। हमने मामू को फोन किया, अभी मामू आएंगे फिर दूसरा गिल्टा लेके आएंगे, फिर हम आगे एक सेब तोड़ेंगे। बाकी ये जूस निकाल रहा है। वेट करते हैं मामू का आने का, फिर तोड़ेंगे हम आगे। दोबरे भर भर के भी क्या रखने हैं, दो ही है, दोनों भर दिए। ठग रहा हूँ, एक भरा है मैंने, इसने नहीं भरा। ओके बाय। तो गाइस यहाँ पे तोड़ दिया हमने सेब, एक एक गिल्टा पूरा, एक आधा गिल्टा खत्म। और मामी सब्जी तोड़ रहे हैं, मारा जब रॉयल तोड़ेंगे और हैप्पी भी आए। खत्म खत्म काम। बाकी मौसम देख सकते हैं आप एक बार। तो गाइस फाइनली हमने सेब तोड़ दिए स्पर्श पर। बाकी रॉयल वगैरह तो पता नहीं कब तोड़ेंगे, उनमें तो अभी कलर नहीं आया, नेक्स्ट तोबरा डाला है। और तो क्या बताऊँ, बाकी भरने भूरने को तो मशीन पे ही ले जाते हैं जो होती है, नहीं तो आपको मैं भरते हुए भी दिखाता अगर खुद भरते। यहाँ पे ये मतलब मामू की मशीन भी, अगर वो स्टार्ट हुई तो दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी अब घर चलते हैं। लाइट आ गई गाइस, यस। फ़ोन चार्ज कर, चार्जिंग पे लगाते हैं, बैटरी भी बहुत ही कम हो गई है ब्लॉग बना बना के। चलिए फिर घर चले। आज का जो काम था हमारा ख़त्म हुआ, हमारा काम बस तोड़ने तोड़ने का था। बाकी अब गोरखा ले जाएगा उसको, मतलब जो क्रेटे भरी है मशीन तक, वहाँ पे तो मशीन वाले खुद भरते हैं। तो गाइस अभी हम घूमने जा रहे थे और यहाँ मामू वगैरह सेब भरे हैं। हेलो मामू, कैसा चला है सीजन? अभी शुरू हुआ है गाइस। यहाँ पे पेटियाँ भर दिया, परे भी लगे हैं, मशीन अभी बंद है, लाइट गई थी क्योंकि अब आ गई है। लेकिन किसका साथ दूँ? तो गाइस अब हम चल पड़े हैं घूमने, हमारे साथ ये भी है, मतलब हम दोनों जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं, चलते हैं। मतलब दूध लगाया है ना गांव से, तो वहाँ जा रहे हैं और साथ में फिर इवनिंग वॉक भी हो जाती है। ये भी चलते हैं इवनिंग वॉक पे, आपको भी हम थोड़े नज़ारे दिखाते हैं, आप भी नज़ारे देखिए यहाँ के। तो गाइस देखो आरो खेत से चोरी कर रहा है ये भी। हाँ ऐसा तीसरा बंदा भी। हेलो अंशु। बाकी घूमते घूमते हम बहुत आगे निकल गए थे, फिर हम वापस चले गए। व्यू देखो आप एक बार, और देखो ये देखो चोरी कर रहा है। मौसम भी आजकल ठीक है, बढ़िया। तो गाइस हम मतलब बहुत पहले पहुंच गए थे घर, लगभग 8 बजे करीब, और अब टाइम हो रहा है 9:30। खाना वाना खा के हम फारिग हो गए हैं। बाकी लाइट भी आ गई है, लेकिन लाइट है डिम, जिस वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। चार्जिंग पे लगा रहे तो बार बार कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है करके। क्या करें, आज की रात ऐसी निकालनी पड़ेगी, मतलब बिना फ़ोन चलाए, बैटरी नहीं है ना। हाँ तो गाइस बाकी आज हमने वही सेब तोड़े करके थोड़े बहुत उसमें ही थक गए, अब नींद भी बेरहम आ रही है, अब सोते हैं। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। जो पेटियाँ सेब की पेटियाँ भरने को, वो तो मशीन पे लेगी ना, वो यहाँ से थोड़ी दूर है तो हम गए नहीं। मैं आपको कल दिखाऊंगा, यहीं जो पीछे दूसरे मामू हैं उनकी जो मशीन है वहाँ पे दिखाऊंगा आपको कल, जब लाइट चलेगी ना तब चलेगी वो, जब लाइट आएगी मतलब फुल अच्छे से तब चलेगी मशीन। बाकी इस ब्लॉग को यही है ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गाइस बाय, टेक केयर।